हे आहा ला 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 ला, कैसे होता है प्यार कोई बता दे हमें, फूलों पे क्यों है निखार कोई बता दे हमें। वो फीमेल जाने दीजिए। हा 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 ला 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 सेकंड ला 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 इंटेंशन सेकंड टाइम ला ला, दोनों बार में ही दोनों बार करेंगे क्या, वहाँ ऑन ऑफ करेंगे हम। अच्छा फीमेल आया मेल आया देन दोनों आए। ठीक है ओके। तो मतलब आपने लास्ट के दो पार्ट गाने ला 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 ला। ओके ठीक है ओके विशु गुड लक। थैंक यू। ला 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 ला। ठीक है ललित, हो गया गाने तो अब। उद्धव जी आप बताएंगे कैसे होता है प्यार, इस एल्बम के बारे में डिटेल्स में बताएंगे। ये जो एल्बम है कैसे होता है प्यार, इसके जो प्रोड्यूसर हैं उनका बैनर है एस जूनियर फिल्म्स इनकॉर्पोरेशन, और मिस्टर अश्विन सरना इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ दिस एल्बम। बहुत ही खूबसूरत और मेलोडियस एल्बम है ये, और जितने गाने मेरे हिस्से आए हैं वो भी बहुत ही कमाल के हैं। बड़ी ही खूबसूरती से लिखा गया है और उतनी ही शिद्दत से इनको बनाया गया है। सो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द लिरिसिस्ट और मिस्टर दिलीप वर्मन जिन्होंने इतना खूबसूरत ट्यून बनाई है सभी गानों की, साथ ही मेरे फ्रेंड अच्छे मित्र और इस एल्बम के डायरेक्टर मिस्टर रूपेश राय, बिकॉज ऑफ हिम आई एम इन दिस एल्बम। और इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू सिंग लीजेंड लाइक अनुराधा जी, दिस फर्स्ट टाइम आई एम सिंगिंग विद हर। तो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द यूनिट ऑफ दिस एल्बम कंसर्न विद कि इतना अच्छा चांस उन्होंने मुझे दिया और ख़ास करके अच्छे गाने दिए। बिकॉज काम तो हम लोग बहुत करते हैं, वी आर अ प्रोफेशनल सिंगर, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें मन से अच्छे लगते हैं कि हाँ भाई इन गानों को गाने की इच्छा होती है। ये उन कैटेगरी के सॉन्ग्स हैं। ला 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 ला। ईमेल रखो, अब नहीं खोलना दरवाजा पूरी देवी। ओ तो आप रखिए। क्या मेल बॉय? नहीं नहीं वो तो एकदम समझदार समाप्त है। कि दलीप जी बताइए इस एल्बम की म्यूजिक किस तरह आपने दी है, जैसे कि रोमांटिक एल्बम है। ये प्योरली इंडियन म्यूजिक है, इंडियन मेलोडी है इसमें, और जो लिरिक है वो भी मीनिंगफुल लिरिक्स है। इसके लक्ष्य लालपुरी साहब ने लिखे हैं, अक्षय जयपुरी जी ने लिखे हैं, अविनाश जी ने लिखे हैं, और एस आर भारती साहब ने लिखा है। और एक गाना इसमें जो टाइटल सॉन्ग है वो हमारे डायरेक्टर रुपेश जी ने लिखा है। इसमें कुल कितने सिंगर्स? इसमें सिंगर्स दो सिंगर्स हैं, इसमें अनुराधा जी और उद्धव जी। कितने गाने इसमें? टोटल 8 गाने हैं इसमें। कितनी ड्यूट और कितने सोलो? इसमें 4 सोलो अनुराधा जी के हैं और 2 सोलो उद्धव जी के हैं और 2 ड्यूट सॉन्ग्स हैं। उद्धव जी के साथ काम करते हो? अच्छा लग रहा है, अपकमिंग सिंगर हैं, काफ़ी पोटेंशियल है इनमें, अच्छा काम होगा। आपकी क्या उम्मीद है इस एल्बम से? बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इस एल्बम से, क्योंकि इस पर हमने बहुत मेहनत की है और मेहनत का कुछ रंग भी अच्छा आ रहा है इसमें, तो इससे काफ़ी उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच।